Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear student, you all are in my regular class. और जैसा कि आप जानते हैं regular class हम लोग हम जो हैं daily ले रहे हैं आपकी at 7 PM every day Monday to Friday. Okay, so आज मैं और analysis का part चला हुआ है. आज मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ इस class में series के बारे में. वो भी एक important topic है. So चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं. पहले मैं अपनी मेरी अदर क्लासेस क्या हैं. अदर क्लासेस रेगुलर क्लास के वक्त टाइम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. 7 PM सुपर क्वेश्चन सीरीज 12 नून एंड प्लस क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं. सो बी रेडी. उसमें बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें और पूरा कंप्लीट सिलेबस वहां कराया जाएगा आपको. ओके, नाउ देन द लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर. So, यानी कि हमने सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं सीरीज की. देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ आप लोगों को. सो सीरीज से क्वेश्चन आता है और किस तरह क्वेश्चन आता है. सीरीज से पूछ लेगा कि ठीक है भाई ये सीरीज है, बताइए कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. साथ साथ कभी कभी क्या होगा, कोई स्टेटमेंट हमें दे देगा और उसमें क्या होगा कि एक सीरीज कन्वर्जेंट थी, अब बताइए उसके स्क्वायर का क्या होगा, उसके रूट का क्या होगा, या उसके ऊपर वन सीरीज अपॉन वन प्लस सम ऑफ द सीरीज, इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन के बारे में पूछेगा. सो दैट मीन्स अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है दूसरी डाइवर्जेंट है तो उनके सम के बारे में क्या होगा, इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. अब सीरीज तो एक ऐसा कहा जाए कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं हमारे पास. बट यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें उन क्वेश्चंस पे या उन टेक्निक्स पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं किए जा सकते जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बनता है और जो जो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए. सो इस लेक्चर में मेरा मेन फोकस होगा आपको कंसेप्ट बताना और साथ साथ कि भाई अगर ऐसी सीरीज आई है तो देन यू हैव टू बी थिंक कि ये वाला टेस्ट लगे, या फिर मैं ऐसे एग्जाम अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है तो मैं कौन सी टेक्निक को ध्यान रखूं उस एग्जाम्पल को करते वक्त. मेरा फोकस यहाँ इस लेक्चर में इस पर है. सो बात करें हम हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सून ही मेरी प्लस पे क्लास आने वाली है जिसमें मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा. सो सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो है अन अकेडमी का ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में. जस्ट गो टू द नेट एग्जामिनेशन, यू विल गेट दिस विंडो CSIR UGC नेट, क्लिक कीजिए और गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करते हैं यू विल गेट द मंथली प्राइस, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month. ये सब कोर्सेस यहाँ दिए गए हैं और उनके प्राइसेस भी. बट अगर आप यूज करते हैं ये कोड अमित स्टैन रेफरल कोड, सो यू विल गेट द डिस्काउंट. यू कैन सी कि 12 month का कोर्स आपका जो 11,550 का था अब वो 10,395 का हो जाता है, यानी कि यू आर गेटिंग द 10% ऑफ डायरेक्टली. सो दैट इज अ गुड थिंग, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. नाउ देन चलिए हम अपने वर्क पे आते हैं. सीरीज, भाई हमने सीक्वेंस के बारे में तो सुना था, ठीक है. ये सीरीज क्या है, सीरीज सिंपली मैं आपको बताऊं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जिसके अंदर हमारे सम सीक्वेंस के टर्म्स को हमने लिख दिया और ऐड कर दिया, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स थे वहां पर तो हमारे पास, तो उन सबको हमने जोड़ दिया. लिखा क्या है यहाँ पर, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर देन द सम ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 एंड सो ऑन of the term of the sequence is called the series and is denoted by, किससे denoted होती है, summation n is equal to 1 to infinite an. ये भी हो सकता है और आप क्या और भी ले सकते हैं यहाँ पर. इस सीरीज को सिंपली समटाइम हम क्या करते हैं, इसको नहीं भी लिखते, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट नहीं लिखते, डायरेक्टली ए एन लिख देते हैं. तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल, यानी कि जो सीक्वेंस थी उसके बाहर अगर आपने समीशन लगा दिया सो दैट विल बिकम द सीरीज. ओके, अब सीरीज तो बना ली लेकिन फायदा क्या भाई. सीक्वेंस में क्या था हमारे पास, सीक्वेंस में था हमने देखा कि ये कन्वर्ज कब कर रही है, लिमिट पॉइंट क्या था, लिमिट पॉइंट पे कैसे कब लिमिट पॉइंट लिमिट बन जाएगा, ये सब बातें की थी. और फाइनली हम कन्वर्जेंट पे आकर के उसको स्टॉप किया था कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट कब होती है. अब उसी के टर्म्स को हमने यहाँ क्या किया है, सम किया है. अब हमारा पर्पस क्या हो जाता है यहाँ पे, इस सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करना. कन्वर्जेंसी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है. सो कन्वर्जेंसी हमसे मतलब क्या है,
कन्वर्जेंसी का मतलब है कि ये जो हमने सीक्वेंस के टर्म को ऐड किया, वो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है। मेरी सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, तो क्या फाइनाइट वैल्यू आती है या इनफाइनाइट आती है। सो दैट इज माय पर्पस। सो अगर ये सीरीज मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मान लिया मेरे पास एपी है और जीपी है या एचपी है, देन आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। मेरे पास फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली इनके सम निकाल सकता हूँ। लेकिन इनसे डिफरेंट हो तो मैं उसको कैसे निकालूं, तो इसके लिए हमने कुछ टेस्ट भी बनाए थे। सो यहां देखिएगा, सीरीज के तुरंत बाद मैंने एग्जांपल दी और एग्जांपल के बाद क्या लिखा, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब है कि अगर मैं सीरीज के शुरू के एंड टर्म्स उठा लूं, लेट Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज, राइट, दिस इज इट, ओके। इसमें हमने क्या डिनोट किया, Sn को हमने a1 मान लिया, s2 को a1 plus a2, s3 को a1 plus a2 a3। सो व्हाट हैपन इन दिस वे, मैंने एक इन सब टर्म से एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर ली, दिस इज माय सीक्वेंस। दैट मींस जो सीक्वेंस बनी है मेरे पास Sn, व्हाट इज दैट, उसका जो फर्स्ट टर्म है दिस इज a1, बट सेकंड टर्म क्या है a1 plus a2, और थर्ड टर्म क्या है a1 plus a2 plus a3 एंड सो ऑन। So, यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है यहाँ से, भाई हम सीक्वेंस जो हम सीक्वेंस हमने बनाई है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट है। सो दैट मीन्स सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम से हमने सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की भी गणना कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है कि हम इसका सम निकाल पाए, तो इसके लिए हमें कुछ और करना होगा। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और बहुत सारे टेस्ट को लेके आए, सो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीजें जान लीजिए एज ए की पॉइंट सीरीज के बारे में। व्हाट आर द फर्स्ट पॉइंट, सीरीज आपकी इनफाइनाइट भी हो सकती है, सिर्फ फाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपसे एन इज इक्वल टू 1 to 5 ए एन, दैट मीन्स इसमें कितने टर्म हुए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस A4 plus A5, ऐसी सीरीज कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई हमारे पास, द सीरीज इज ए फाइनाइट सीरीज। बट अगर हमारे पास मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया AN, दैट मींस द टर्म्स आर मूविंग एंड सो ऑन, वो A1 A2 A3 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली मूव कर रहे हैं, तो सीरीज क्या हो गई हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। जबकि सीक्वेंस में क्या था, सीक्वेंस हमारे पास हमेशा ही इनफाइनाइट होती थी। यहाँ सीरीज की दोनों नेचर हो सकती है, वो फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। सेकंड हमारे पास की पॉइंट क्या आया, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इफ एंड ओनली इफ, कब, जो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इज कन्वर्जेंट, और कहां पे कन्वर्ज करेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज। यानी कि जो हमारे पास Sn बनाएंगे हम, उस Sn पे अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दें, जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, ठीक है, वो फाइनाइट आ रही है, दैट मींस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। हाउएवर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इन दोनों का ये नॉलेज के लिए हमारे ठीक है, बट यहाँ एग्जाम में नहीं पूछ रहा है इस बात को। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना होता है, जब भी कोई सीरीज मिल जाए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या उस पर नेसेसरी कंडीशन लगाने के बाद वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। दैट मीन्स द नेसेसरी कंडीशन इज दिस, कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है उसके लिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन या एएन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। व्हाट डू मीन बाय द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन मींस अगर किसी सीरीज के अंदर ये टेस्ट फेल हो जाए तो आप गारंटी कर सकते हो कि वो सीरीज डाइवर्जेंट। बट अगर ये सैटिस्फाइड है, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एएन इज इक्वल टू जीरो है, तो सीरीज मे बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज, यानी कि हमारे पास दो नेचर आ जाती हैं, मे बी कन्वर्जेंट और मे बी डाइवर्जेंट इसके बाद। बट अगर सिचुएशन ये हुई, बट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डाइवर्जेंट ओनली। सो ये हमारे लिए नेसेसरी कंडीशन है, इसको इतना तो होना पड़ेगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल भी हम यहाँ देख सकते हैं, अगर देखिए मेरे पास सीरीज दी हुई थी ये समीशन 1 plus 1 by n, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 to infinite, कहा गया कि चेक कीजिए सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हमें ये टेस्ट लगाना है, चाहे कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे, फर्स्ट वी हैव टू बी रिमेंबर व्हाट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
un या an is equal to 0. What is the an here? Here check करना है हमें. Here an is equal to 1 plus 1 by n. So that means limit n tends to infinite 1 plus 1 by n is equal to 1, which is not equal to 0. This implies necessary condition fails. So this implies the given series is divergent. Series is divergent. So ये सबसे अच्छा advantage है. बहुत सारे option आप देखेंगे अपने examination में. अगर हमें series की convergence और divergence के बारे में बात की गई है, तो आप कुछ option, एक तो option कम से कम इसी से ही चला जाता है. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए. हम देख रहे हैं कि complicated सी series है. मान लिया मैं इसकी भी n कर दूं और भी कोई power लगा दूं और इसको ध्यान ना दें तो गलत है. लेकिन चलिए एक और भी आई, यहाँ हम देख लेते हैं उसको भी जिस पे एप्लीकेबल है. सीरीज ले ली मैंने 1 अपॉन n, ठीक है. un की वैल्यू क्या हुई? 1 by n. और लिमिट लगा रहे हो इसके ऊपर आप, n tends to infinite 1 by n is equal to 0. बट स्टिल आगे आप देखेंगे ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है, यानी कि यहाँ से हम गारंटी कुछ भी नहीं कर सकते. बट ये कि अब हम इसका चेक कर सकते हैं किसी तरीके से बिहेवियर. ये कंडीशन को पास कर गई कि हाँ भाई ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है. लेकिन देखिएगा इस सीरीज का नेचर क्या है. इस सीरीज के नेचर को देखते हुए या इस तरीके की सीरीज को नेचर को देखते हुए हमारे पास आए प्रिगिंसन थ्योरम आई. इसने क्या कहा? इफ ए सीरीज un इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म कन्वर्जेस. मतलब अगर मेरे पास कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये 1 बाय सीरीज क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, then not only un tends to 0 but also n un tends to 0. तो इस सीरीज के अंदर क्या हुआ, un तो tends to 0 हो गया है. this condition, that means this first is true. but क्या फेल हो रहा है, but limit n tends to infinite n into 1 by n is not equal to 0. so इसका मतलब, क्योंकि ये सीरीज कैसी थी, monotonically decreasing थी हमारे पास ये. सो दैट्स व्हाट हमने सिंपली बोल दिया इसको कि ये प्रिगिंसन थ्योरम की वजह से नहीं हो रहा है. सो खैर हमें इसकी जरूरत नहीं है. ये रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी कि ठीक है प्रिगिंसन थ्योरम क्या कहती है. वो ये कहती है कि नेसेसरी कंडीशन तो है बट n टाइम्स टू आपका un भी लिमिट लगाने पर जैसे जैसे n टाइम्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं वो भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए. ओके सो कुछ सीरीज दी है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. देखिए आपको ये मैं अभी करा चुका हूँ. समीशन 1 प्लस 1 बाई एन नेसेसरी कंडीशन फेल है. व्हाट अबाउट द अनदर वन? अगर मैं सीरीज ये ले लूं, अब आप देखने में तो कैसा लग रहा है, भयंकर साल क्या है, कॉस ऑफ 1 बाई एन. ठीक है, हम सोचेंगे अब इसको कैसे देखें, कौन सा टेस्ट लगाएं या क्या करें. भाई पहले नेसेसरी कंडीशन तो देख लो. जैसे ही आपने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इस पे लगाया कॉस ऑफ 1 बाई एन, व्हाट इज दिस, दिस हैज बिकम cos of 0. And what is this? This is equal to 1. So this is not equal to 0. So iska matlab kya ho gaya? Ye divergent ho gayi. This implies given series is divergent. So ye hame yahan se hi fail ho gaya. To hame koi test lagane ki zarurat nahi thi. Ye common mistake hai ki isko dhyan nahi rakhte aur shuru ho jate hain. लास्ट वाले के बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. समीशन 1 बाई एन के जिसके ऊपर हमारी कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल होती है बट उसके बिहेवियर को हम फर्दर चेक करते हैं. ठीक है ना. सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिमिट्स. देखिए चूंकि आप हर बार क्या करेंगे, लिमिट्स का यूज करेंगे, तो एटलीस्ट इन लिमिट्स को याद रख लीजिएगा. ये लिमिट्स जो है हमारी कहीं भी एकदम से यूज करनी पड़ती है. पहली हमारी क्या कहती है, लिमिट एन टेंस टू, फर्स्ट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर p इज इक्वल टू 0. कब? जब p कोई भी पॉजिटिव नंबर है आपके पास, p इज ग्रेटर देन 0. सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास यहां पर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 1. ये बहुत बार यूज होता है लिमिट n टेंड्स टू. कई बार ऐसा होगा n की पावर में 1 बाई एन आ जाएगा आपके पास जब हम कोई टेस्ट लगा रहे होंगे.
टेस्ट के भी मैं नाम भी डिस्कस करूंगा आपके सामने, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसी जगह हमें जरूरत पड़ती है इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है हमारे पास। ऑब्वियसली इस सीरीज को तो आप जानते ही हैं, थर्ड वन को, व्हाट इज दिस अ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की पावर n इज इक्वल टू 0 कब, जब आपके पास मॉड एक्स लाई, x लाई करता है बिटवीन 1 एंड 1, 1 एंड माइनस 1। और फोर्थ कंडीशन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की, यानी कि फोर्थ हमारे पास जो लिमिट है दिस इज इक्वल टू e। ये कैसे आता है, देखो जब मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रहा हूं देन आई एम गेटिंग द 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म आई एम गेटिंग हियर। सो इसके लिए सिंपल मैं आपको जनरल फार्मूला बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसका बहुत बार यूज करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस fx या fn, ठीक है, और आपको ऊपर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ n, यहाँ भी fn फंक्शन ऑफ n है और यहाँ भी gn ऑफ फंक्शन है। और फॉर्म कैसी आ रही है लिमिट लगाने के बाद, इन 1 टू द पावर इनफाइनाइट, देन इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn इनटू gn, दिस विल बी द वैल्यू। सो सिमिलरली आप यहां क्या देख रहे हैं, बाय दिस वे e टू द पावर 1 बाय n इनटू n दैट इज कैंसिल, और अब लिमिट भी लगाया मैंने यहां पे, दिस इज इक्वल टू e ओनली। सो प्रिकॉशन क्या रखना है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होगा तो आप माइनस एफ एक्स के अंदर ले जाएंगे उसको, ठीक है ना, यहाँ प्लस लिख के माइनस एफ एक्स लिख के उसको यूज करेंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट लिमिट तो हो गई, अब हम ये भी जान चुके हैं चूंकि सीरीज के बारे में, भाई सीरीज होता क्या है हम जान चुके हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स के बारे में भी जान चुके हैं, और पार्शियल सम के बारे में हमें यह भी मालूम हो गया है कि पार्शियल सम हमेशा हम निकाल नहीं पाते हैं, तो भाई क्या किया जाए, क्या हमारे पास कोई ऐसा वे है, यस वी हैव अ सम वेज, वी हैव अ सम टेस्ट जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो सबसे पहले टेस्ट को, जब भी आपको सीरीज दिखाई दे तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि हाँ हम इसमें कौन सा टेस्ट लगाएं, रदर देन कि शुरू हो जाएं एकदम से, ठीक है ना। यहाँ मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कौन सा टेस्ट लगाने में हमें कब फायदा होता है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है कंपैरिजन टेस्ट, क्या कहता है कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इफ समीशन यू एन एंड समीशन वी एन बी आर टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज किस तरीके से, सच दैट, यहां नोटिस कीजिएगा ये सबसे बड़ी है कि एक का nth टर्म लें, दैट इज लेस ऑर इक्वल टू k टाइम ऑफ वी एन, नो मैटर ये आपने यू एन रखा है या वी एन इसको रखा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। सो यू एन इज लेस ऑर इक्वल टू k वी एन for all n, so this is an important thing, for all n particular, एक n greater than equal to m भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि दो या तीन टर्म्स में नहीं था उसके बाद हो ऐसा, ठीक है ना। इट डजेंट मीन्स, यहां इसीलिए लिखा गया फॉर ऑल n greater than equal to m, दैट मीन्स हो सकता है कि दो या तीन टर्म में रिलेशन नहीं आ रहा है लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स वो शुरू के टर्म स्किप करते हुए हम अपने वर्क को प्रोसीड कर सकते हैं। सो क्या दिया हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन को ध्यान रखना है, ऑब्वियसली गिवन सीरीज आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब ये आप देखिएगा, un इज लेस ऑर इक्वल टू k टाइम ऑफ vn, अब यहां से भी इसकी गणना कर सकते हैं कि कब ये कन्वर्जेंट होगी, अगर आपके पास छोटे वाली डाइवर्जेंट हो गई तो बड़े वाली को डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, और अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट हो गई तो डेफिनेट है कि छोटे वाली कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग्स जो कि यहाँ लिखी हुई हैं। इफ समीशन यू एन इज डाइवर्जेस दैट समीशन वी एन इज आल्सो डाइवर्जेस, ठीक है ना, एंड इफ समीशन वी एन इज कन्वर्जेस देन समीशन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेस। सो दैट वाज द कंडीशंस ऑफ द सीरीज। अब आपको एक यहां मैंने कहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस, हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समीशन एक सीरीज दी हुई है ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर, चेक या टेस्ट कीजिए कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। मैं कैसे देखूं, मुझे तो मालूम नहीं है कौन सा टेस्ट लगाना है इसके ऊपर,
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रहे हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। यहाँ तो हमने बोला था दो सीरीज के बारे में सर ने, लेकिन यहाँ तो एक दिखाई दे रही है। एक आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी होती है, छोटी या बड़ी, जब भी आप छोटी बड़ी की बात करेंगे, दैट मीन्स यू हैव टू मूव टू दिस टेस्ट अकॉर्डिंगली। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको कहूँ, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ un इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन का यूज करना है, दैट मीन्स चेक लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस n स्क्वायर, क्या रहा है वैल्यू जीरो, दैट मीन्स ये बात कंफर्म हो गई है कि अब ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी, दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन हमारी पास हो गई है। अब आपको मूव करना है यहाँ पे, चूंकि आप जानते हो, सिंस क्या जानते हैं हम, सिंस e की पावर x को हम जानते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होता है x से, सो इसका मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो e टू द पावर n ग्रेटर देन होगा आपका ग्रेटर देन n से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। इसका मतलब e की पावर n स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा n स्क्वायर से, ठीक है। अब क्या हो गया इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं 1/n² ओके 1/e^n² दैट इज अ टर्म, आपके पास सीरीज कैसी हुई है, दैट मींस e^-स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या है 1/e^n² सो दैट मींस आपने अपना un और vn कंस्ट्रक्ट कर लिया है। आप देख लीजिए ये मेरी सीरीज जो है un, That means the series summation 1/n² convergent है या divergent है। हम चूंकि MSc में भी पढ़ के आए हैं P series test, तो मैं directly आपको भी बता सकता हूँ कि by the P series test this series is convergent, convergent है, okay? So that means what happen? अगर मेरे पास ये series convergent है, okay? और ये किससे है? इससे बड़ी है, तो छोटे वाले को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब मेरी पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, दिस विल बी द कन्वर्जेंट। सो दैट मींस वहां तो हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता, वहां तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये टर्म याद होना चाहिए। इस टर्म पे यहाँ ट्रिक छिपी हुई है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, वी हैव टू बी थिंक कि वो टर्म किससे लेस है या किससे ग्रेटर है, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। सो दैट मींस हमें कंपैरिजन टेस्ट जब भी लगा, ध्यान रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील दैट और ऑब्जर्व रिसेंटली कि हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट से काफी सारे जो है ऑप्शंस जो है डिस्कार्ड हो जाते हैं। सो दैट मींस हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो सीरीज क्या है हमारे पास, समीशन n इज इक्वल टू 1/(1)log(n), ये सीरीज दी हुई है। अब इसको भी कैसे करें भाई, इसको log n को कैसे देखें, कौन सा टेस्ट देखें, नहीं अभी हमने आपको टेस्ट बताया था एक कंपैरिजन टेस्ट, उसमें एक सीरीज आपको खुद को कंस्ट्रक्ट करनी होती है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स आप देखिए log n किससे बड़ा होता है या छोटा होता है, ये हमारे मेन पार्ट होते हैं इसके अंदर, कि हम इससे हम उसको बता सकें कि भाई ये हमारा जो है छोटा है या इससे बड़ा है। सो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट क्या हम लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/(log(n)= 0 इंप्लाइज नेसेसरी कंडीशन पास हो गई हमारे पास, पास ठीक है, पासेस हमारी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हुई। नाउ अब सेकेंडली मूव करना है आपको, चूंकि आप क्या जानते हैं, सिंस log ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, दैट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आपके पास logarithmic सीरीज आ रही है तो इस रिलेशन को आप अपने माइंड में जरूर रखें कि कहीं हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं किसी तरीके से। आपने ये देख लिया, इससे क्या मतलब निकला आपके पास, इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा log ऑफ n वो भी लेस देन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए 1/, दैट मींस 1/n विल बी लेस देन 1/log(n), ओके। अब मुझे इस सीरीज के बारे में देखना है सिर्फ,
That means I have to check the behavior of the series 1 upon 1 by n. Again by the p series test, I know the series is divergent. और छोटे वाली डाइवर्जेंट हो तो ऑब्वियसली बड़े वाली का क्या होगा, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी. दिस इंप्लाइज दैट द गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन log n इज डाइवर्जेंट. ठीक है, सो नथिंग टू बी वरी अबाउट दैट कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कैसा है. कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो, कुछ में तो कोई भी रैंडम टेस्ट लगा लो, लेकिन कुछ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रैंडम टेस्ट लगाना. तो यानी कि जो मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनमें ये टेक्निक्स आप जो है हमेशा बॉक्स करके रख लीजिए. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट दैट शुड बी इन योर प्रैक्टिस. ठीक है ना. सो व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. कैसी सीरीज है. समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन फैक्टोरियल एंड रूट भी लगा दिया है उसका. ठीक है. सो अब हम कैसे देखें कि ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, वट एवर इज दिस थिंग्स. सो दैट मीन्स फर्स्टली आपको अपना Vn बनाना होगा. Vn इज योर चॉइस. कैसे बनता है ये आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल में कैसे बना, लॉगरिथमेटिक टर्म्स में कैसे बना, और अगर आपका फैक्टोरियल n आ जाए तो वो किससे लेस या इक्वल होता है, ये तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे. यानी कि वी आर थिंकिंग फॉर द Vn. सो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. हम सबसे पहले तो वही अपना नेसेसरी कंडीशन, सबसे पहले आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करना है. दैट मींस लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, देयर इज नो प्रॉब्लम. यानी कि हमारा नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल हो गया. ठीक है ना. नाउ देन हाउ हम देखना है इसको. अब आप देखिएगा, सिंस एन फैक्टोरियल is always greater than 2 to the power n minus 1 for all n greater than equal to 2. Since n factorial is strictly greater than 2 to the power n minus 1 for all n greater than equal to 2. ठीक है, इसका मतलब अब आपको क्या देखना होगा, ये एक सीरीज बन गई है आपके पास. सो इसका बिहेवियर हमें चेक करना है सीरीज का कि ये कैसी सीरीज है आपके पास. सो दैट मीन्स वट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज. यहाँ तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल में है, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल. सो दैट मीन्स यू हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज 2 टू द पावर n माइनस 1. ओके, वट इज दैट This is a GP with the common ratio 1/2 or less than 1 है. So just आप उसके ऊपर सीधे GP का टेस्ट लगा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है या मेरे पास ये डाइवर्जेंट आ रही है. So that is a good thing. So हमें यहाँ पर इसका ध्यान रखना है. So यहाँ हमें क्या पता लगा कंपैरिजन टेस्ट में, कंक्लूजन माइंड में लेके आइए. कंक्लूजन निकला, सबसे पहले हमें नेसेसरी कंडीशन को चेक करना है. दूसरा, जब भी हम अपना Vn बनाएं, सो फर्स्ट कंपैरिजन लगाने के लिए, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट भी बोला जाता है इसको लगाने के लिए हमें Vn में ध्यान रखना है कि जो हमारे पास Un गिवन था उसमें से क्या किसी से वो नंबर बड़ा है या छोटा है, ऐसा कंपैरिजन करके ही हम उसको बनाते हैं. सो सीरीज देखते ही सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि अगर मैं कंपैरिजन लगा रहा हूं तो ये मुझे करना है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे. एक और टेस्ट होता है, देखिए कंपैरिजन टेस्ट आपके चार तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं दो ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों से क्वेश्चन हो जाता है. क्योंकि भाई पूरा सीरीज हम पढ़ने लगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है. यहाँ सिर्फ वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दैट मीन्स द कंपैरिजन टेस्ट 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या कहता है, मेरे पास दो सीरीज है, एक सीरीज Un एंड दूसरी सीरीज Vn. Such that दोनों ही सीरीज मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, such that उनका जो रेशियो है, that means a limit n tends to infinite un upon vn is equal to l, और l क्या है, एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू. इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, this is a नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू. अगर ये
बाय मिस्टेक किसी भी तरीके से जीरो आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए तो ये टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता उस सीरीज के बिहेवियर के बारे में, यानी कि दिस टेस्ट विल फेल्स। ओके, ये जो कि मैंने नोट में भी लिखा है, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन टेस्ट फेल। सो ये बिल्कुल एज ए की पॉइंट अपने माइंड में रखना है, कभी आप लगा दो उसको वो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ देन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट यूएन और वीएन, हम वीएन बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले पी सीरीज टेस्ट करा देता हूं आपको, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस सीरीज में हमारे पास जो ऑप्टेन वीएन बन के आता है वो पी सीरीज होता है। जैसे कि भाई आपने पिछले वाले टेस्ट में भी कंपेरिजन में क्या देखा भाई, हमें तभी तो फायदा है एक ऐसी सीरीज मिले जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स पी सीरीज से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो पहले पी सीरीज देख लेते हैं। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है आपको? द सीरीज ऑफ दिस फॉर्म। अब आप क्या ध्यान रखिएगा इसके अंदर, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एन की पावर पी की, ना तो एन में कुछ जुड़ा हुआ है ना ही सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि एन की पावर पी ही है। और पी कैसा नंबर है हमारे पास? एक ऐसा नंबर जब भी ये ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। दैट मीन्स इफ पी ग्रेटर देन वन then series converges, converges। और अगर आपका p less or equal to 1 हो जाए, यानी कि n की पावर आपके पास जो है 1 by 2 आ गया, 0.48 आ गया, ऐसी कोई भी पावर रख दे, that means this is diverges। so दोनों कंडीशन यहाँ मैंने मेंशन किए हैं आपके पास p series टेस्ट की। हाउएवर ये इतना अच्छा टेस्ट होता है कि बहुत जगह यूज होता है, एज सच डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन ये हमें हेल्प करता है हमेशा ही जो अदर टेस्ट लगा रहे हो वहां से जो सीरीज ऑप्टेन होके आती है उसके लिए। ठीक है, यहाँ कुछ सीरीज दी हुई है, देखिए क्या सीरीज दी हुई है। पहली सीरीज दी हुई है समीशन 1/n, दूसरी क्या दी है 1/n², और नेक्स्ट क्या दी है 1/√n। ठीक है, मैंने यहाँ तीन सीरीज लिखी है, आप बताइए सबसे पहले वाली, पहले वाली सीरीज में क्या होगी ये सीरीज? बाय द पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि n की पावर p की फॉर्म में है और p की वैल्यू क्या है 1। 1 किस में होता है? जब डाइवर्जेंस होती है, इसका मतलब डायरेक्टली मेरे पास डाइवर्जेंट मिल गई। और अभी हमने पहले भी क्या कहा था आपको कि समीशन ऑफ 1/n जब हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसका मतलब वहां में क्या पता लग गया था, सीरीज डाइवर्जेंस थी। सेकेंड सीरीज क्या है? n² दैट मींस पावर कितना है 2, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब फर्स्ट केस में चली गई और क्या हो गई? कन्वर्जेंस। ठीक है, आपकी सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। और लास्ट वाले में क्या है? समीशन n की पावर 1/2, सो दैट मींस ये तो लेस देन 1 है, इसका मतलब सेकंड केस में डाइवर्जेंस। तो p सीरीज में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। क्या लर्न कर चुके हैं हम? कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट लर्न कर चुके हैं, जिसमें हमने दो nth टर्म की कंपैरिजन की थी। ठीक है, और कुछ नंबर्स में छोड़ सकते हैं, कुछ नंबर में रिलेशन नहीं बन रहा उसके बाद ही बन सकता है, पहली प्रिकॉशन ध्यान रखी थी। दूसरा हमने क्या देखा है? हमने देखा है कंपैरिजन टेस्ट टू, जिसमें हमने nth टर्म के रेशियोज देखे हैं कि रेशियोज क्या है, उस रेशियोज के हिसाब से हमने बताया है। ठीक है, अब हम देख चुके हैं पी सीरीज टेस्ट को भी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आप देखिए, चलिए एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट द सीरीज समीशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस टाइप का। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप देखेंगे जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से होता है क्वेश्चन। समटाइम एज सच मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। यहाँ क्या करना है हमें, एक सीरीज दी हुई है, सीरीज कैसी है? समीशन साइन 1/n, और एन आपका कहां से वेरी है? 1 to infinite। एक सीरीज दी हुई है और टेस्ट करना है हमें फॉर द कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, सो मुझे सबसे पहले क्या होगा, ये सीरीज दी है और मैं चाहता हूं कि देखिए कोई भी टेस्ट कहीं भी लगा सकते हैं आपका, जो भी जहां लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें इस पे यही लगाना है या उस पे वही टेस्ट लगाना होता है। यहां जैसे साइन 1/n दिया हुआ है, मैंने कहा कि ठीक है un की वैल्यू मेरे पास क्या है, un इज इक्वल टू साइन 1/n। सबसे पहले तो वही नेसेसरी कंडीशन चेक कर ली, ऑब्वियसली फुलफिल हो रही है मेरे पास, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट द vn, vn इज माई चॉइस, मैं क्या ले लू इसके अंदर, सो दैट इनका रेशियो मैं कंपेरिजन टेस्ट 2 लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। However, मैं ये भी जानता हूं ऐसे भी कर सकते हैं हम, साइन एक्स लेस देन एक्स होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये भी हम लगा सकते हैं।
सो साइन एन लेस देन एन हो गया आपका रिलेशन बना करके. ओके बट व्हाई नॉट फ्रॉम दिस प्लेस फर्स्ट. सो हमने कंपैरिजन टेस्ट सेकंड को लगाया, इसके लिए मैंने कहा वी एन इज इक्वल टू वन बाई एन है. अभी वे भी बता दूंगा कि हम कैसे इसको चूज करते हैं वी एन को. सो दैट मीन्स आपने निकाला यू एन अपॉन वी एन और लिमिट लगाई उसकी, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. देन व्हाट इज द वैल्यू, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट साइन वन बाई एन अपॉन वन बाई एन, दैट इज नथिंग विच इज इक्वल टू वन. दिस इज ए नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, और बाय द टेस्ट अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, सीरीज यू एन और वी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टूगेदर. आपने क्या सीरीज ली, वन बाई एन. और अभी पी सीरीज टेस्ट से क्या देखा था, ये डाइवर्जेस है. इसका मतलब आपके पास जो गिवन सीरीज थी वो क्या हो गई, डाइवर्जेस. एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास वी एन को. अभी देखिए दूसरा, अगर आपने कहा कि नहीं हम पहले वाले टेस्ट से लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं. सो दैट मीन्स हम यहाँ सिर्फ इसको बताने का दूसरा वे ये है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है. हम चूंकि जानते हैं साइन एक्स लेस देन एक्स है, सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ एन लेस देन एन हो गया आपके पास. सो वन बाई एन लेस देन साइन वन बाई इसको अभी रहने दीजिए यहाँ से. ओके क्या होगा ना, हम यानी कि एन से हो गया हमारे पास साइन वन बाई एन, लेकिन हमें तो रिलेशन किस में लेके आना है, वन बाई एन में. तो डायरेक्टली इसको मत लीजिए यहाँ पर आप इसको, ठीक है. बट इसको ध्यान रखिएगा, हमारे पास इस रिलेशन को हम यूज कर लेते हैं, साइन एन इज लेस देन एन. ओके मैनी एग्जाम्पल्स में इसको यूज करेंगे, यहाँ इसको यूटिलाइज मत कीजिए, आप अपना पहले वाला ही देखिएगा. ठीक है, सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस, द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. चलिए मैं आपको बताने जा रहा था कि कैसे वी एन फाइंड आउट करें. सो हमें क्या सीरीज दी हुई है, मुझे चेक करना है इस सीरीज का कन्वर्ज है या डाइवर्ज है. देखिए देखने में तो बड़ी भयंकर लग रही है. यू एन की वैल्यू क्या है, टू एन माइनस वन अपॉन एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू. ठीक है, यू एन की वैल्यू क्या दी गई है, एन एन प्लस वन एन प्लस टू. सो मुझे वी एन इसके अंदर से बनाना है, तब मैं कोई टेस्ट लगाऊंगा, या कहा जाए मुझे सिर्फ सीरीज दी गई है, मुझे नहीं मालूम अभी कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए. तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कंपैरिजन टेस्ट मैं जो लगाऊं टू को लगाऊं. कंपैरिजन टेस्ट टू हमें मतलब आसानी से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है, और वी एन भी उसमें इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए वी एन बनाने के लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एन आपको निकालना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन, पावर ऑफ एन न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से. यू हैव टू बी फोकस अबाउट दिस थिंग. सो व्हाट, ऊपर कितना है हाईएस्ट पावर एन का, एन, और नीचे कितना है एन, एन और यानी कि एन क्यूब. दिस इज योर वी एन, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर. ओके सो आपके पास वी एन क्या आ गया, ये हमेशा ये ही आप रूल फॉलो करें, आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा. अगर इन दोनों का रेशियो आपका नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ गई तो बस हो गया काम आपका. सो नाउ चेक द यू एन अपॉन वी एन, लगाइएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. जैसे ही मैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन लगाने जा रहा हूं, हमें इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए अपनी कैलकुलेशन को स्मूथ रखने के लिए. सो दैट मीन्स वी हैव टू नॉट क्रॉस की हाँ वन बाई एन स्क्वायर आ गया, नेवर डू. इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इससे क्या फायदा होगा. सबसे पहले हमारे पास क्या आया, मैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म उसी के नीचे रख रहा हूँ, एन इन टू एन क्यूब अपॉन एन एन प्लस वन एन एन प्लस टू. लिमिट भी है बाहर, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. दिस वैल्यू इज वॉट, दिस वैल्यू बिकम दैट इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinite 2 minus 1 by n into, यहां से हम cross करेंगे, cube को हम cancel कर देंगे इन जगह से, what happened, this will become 1 upon 1 plus 1 by n and 1 plus 2 by n. As I will apply the limit, I will get a 2 into 1,
That's all. So this is what, this is a non-zero finite value. So by the comparison test second, अब दोनों सीरीज यानी कि समीशन un एंड समीशन vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. तो दोनों एक साथ कन्वर्जेस या डाइवर्जेस होने जा रही हैं. सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास vn क्या है, दिस इज अ सीरीज समीशन 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि कैसी बन गई, p सीरीज बन गई और p की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी ग्रेटर देन 1 है. सो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट, यानी कि हमने दूसरे से कंपेयर करके इस सीरीज के बिहेवियर को बता दिया, ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाती है. सो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है un is equal to 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n प्लस 2. भाई vn फाइंड आउट कर लीजिए, मैंने अभी क्या कहा आपको, ऊपर की तरफ n की हाईएस्ट पावर कितनी है, n की कोई पावर नहीं, दैट मीन्स n टू द पावर 0, दैट मीन्स 1, एज इट रखिए. नीचे कितना है, n की पावर 1/2, दैट मीन्स रूट ऑफ n, ये भी हमने निकाल लिया. अब चेक करके बताइए मुझे इन दोनों का रेशियो क्या आता है, और चेक कीजिएगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है ना, जिससे मुझे पता लगेगा एग्जैक्टली आप कर पा रहे हैं इसको या नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन ऑब्वियस है कि सबसे पहले हमें चेक करनी है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, व्हाट इज दिस l, वी हैव टू फाइंड आउट. नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो बस इस सीरीज के बिहेवियर से, ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डाइवर्जेंट आ रही है, ठीक है. सिमिलरली एक नीचे भी दिया हुआ है मैंने, और उसको पूरा यहाँ पे कंक्लूड भी किया है कि vn is equal to 1 by n हमने मान लिया है यहाँ से, ओके. सो दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, un by vn का रेशियो, दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास आ रही है 1 नॉन जीरो 1 वैल्यू, और इसके इसको आप क्या जानते हो, डाइवर्जेंट है, तो होल सीरीज विल बी द डाइवर्जेंट सीरीज आल्सो. सो इससे हम बहुत हेल्प लेते हैं. खैर ये तो रही कंपैरिजन टेस्ट की बात, हमारे पास कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इसके, मैं ये कहूंगा कि दीज आर द रिजल्ट जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में. क्या है, यदि सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, एक मुझे एक सीरीज दी हुई है समीशन ए एन, जहां पर एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, कन्वर्जेंट सीरीज है ऑफ द पॉजिटिव टर्म, सिंस का पॉजिटिव टर्म्स का मतलब है ये जो ए एन ले रहे हो ना, हर टर्म उसका पॉजिटिव है, देन इफ ये है और ये कन्वर्जेस है, तब आपसे क्या कह रहा है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन 1 प्लस माइनस ए एन इज कन्वर्जेंट. इसका मतलब क्या हुआ, ए एन अपॉन 1 प्लस ए एन भी कन्वर्जेंट होगी और ए एन अपॉन 1 माइनस ए एन भी कन्वर्जेंट होगी. देखो एज सच मैं आपको बताऊं, अगर डायरेक्टली रिजल्ट में आ गया ये आपको याद रहेगा और आप इसको लगा देंगे, लेकिन कभी कभी हमें अपनी आईक्यू को यूज करते हुए ये भी देखना होता है, जो हमें पूरा टर्म बना दिया हुआ है सीरीज, जो एस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्म में आप उसे लिख पाते हो और बोल सकते हो कि ये एन मेरे पास कन्वर्जेंट सीरीज आ रही है, तो दैट मीन्स आप कंक्लूड कर सकते हो बिना पेन का यूज किए हुए. इस रिजल्ट का ये फायदा है, इतना अच्छा की पॉइंट है. दूसरा सीरीज क्या कहता है आपको, दूसरा टेस्ट क्या कह रहा है आपके पास, अगर सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है, कैसी सीरीज, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन, अगर आपके पास इज कन्वर्जेंट, इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, देन कोई भी सीरीज ले लीजिए एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन एन की पावर पी, यानी कि 1 बाई एन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो अ कन्वर्जेंट. ये भी बहुत बार होता है हमारे पास कि हमने देखा कि ठीक है हमारे पास क्या सीरीज आ रही है, हमने लिख दिया कि भाई समीशन 1 अपॉन एन की क्यूब दिया हुआ है, सो या 4 दिया हुआ है, या यहाँ पे कोई हमें ए एन सीरीज दी हुई है, ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पर ए एन अगर हमारी कन्वर्जेंट है, सो दैट मीन्स पी की वैल्यू तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, 3 है, सो दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 हो रही है, तो इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो होल सीरीज भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं समटाइम जब हमें ऑप्शन को डिस्कार्ड करना होता है. हार्ड रिजल्ट, देखो ये रिजल्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ ये जनरली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एज इट इज, कि ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा.
अगर मेरे पास समीशन ए एन स्क्वायर एंड समीशन बी एन आर अ कन्वर्जेंट सीरीज, तब उनका रूट भी लगा दीजिए, समीशन ऑफ दिस रूट ऑफ दिस से बनी हुई जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। आई एम नॉट गोइंग इन द प्रूफ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, हमें रिजल्ट अप्लाई करना है, सो दैट मीन्स वी हैव टू नो व्हाट इज द रिजल्ट, नो नीड टू गो इन द कि हम इसको ये जाने कि भैया क्या क्या है। द नेक्स्ट टेस्ट इज द रूट टेस्ट। व्हाट इज द रूट टेस्ट और Sometime we call the Cauchy root test. ये क्या कहता है हमें, अगर मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है किस तरीके से, सच दैट समीशन यू एन, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, किस तरीके से, सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ यू एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल। देखो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं, यू एन की पावर वन बाई एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, n tends to infinity is equal to l, or sometime हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं limit n tends to infinite supremum of u n की पावर 1 by n is equal to l। So कहीं भी ऐसा दिखाई दे जाए तो बिल्कुल नहीं confuse होना है, आपको सीरीज को देखना है, positive term सीरीज है तो this will work, ये सब एक ही बातें हैं, लिखने के always हैं, ठीक है, क्योंकि ये test हमारे complex, जब हमारे पास complex analysis पढ़ोगे तो वहां पर भी ये वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मॉडल्स का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में है तो हमें जरूरत भी नहीं होती है इन चीजों की यूज करने की। ओके नाउ देन, सो दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा हुआ आपके पास कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू एल आ गया, तब भी हम सीरीज का बिहेवियर बोल सकते हैं, क्या सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी जब एल लेस देन वन हो, डाइवर्ज कर जाएगी एल ग्रेटर देन वन हो, और टेस्ट हो जाएगा फेल अगर बाय मिस्टेक वन आ गया। इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो अगर कभी भी आपका लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, वैल्यू आपकी वन आ रही है, तो इसका मतलब ये टेस्ट जो है उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, आपको किसी और टेस्ट का यूज करना होगा, दैट विल नॉट वर्क। हिंट होता है इसके अंदर, हिंट क्या होता है, देखो आप देखिए इसमें हमने क्या किया है, यू एन की पावर को वन बाई एन किया है, nth रूट लिया है इसका हमने, nth रूट टेस्ट जो है किस्म से ही, सो इसके ऊपर हमने लिमिट लगाई है n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि अगर मेरे यू एन में n की पावर आ रही हो, n की पावर इन्वॉल्व हो, n इन्वॉल्व हो, ठीक है, सो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि जैसे ही आप वन बाई एन लोगे दिस विल बी कैंसिल विद दिस वन, ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये हिंट है, ये तभी अप्लाई करना चाहिए, तभी हमें बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज कैलकुलेशन आपकी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है ना, सो दैट इज अ थिंग। आप यहां पर देख सकते हैं एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल है, समीशन 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन की पावर माइनस एन की पावर 3 बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है, अप टू यू है, आपके पास एन में पावर आ गई है, सो दैट मीन्स आप लगा दीजिएगा रूट एन, आपको आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है ना, इसको नीचे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, अगर माइनस से प्रॉब्लम आ रही है तो, और मुझे आंसर को लिखिएगा अपने टेक्स्ट बुक में कि क्या इसका आंसर आया था, ये सीरीज कन्वर्जेंट आई थी या डाइवर्जेंट आई थी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, नोटिस कीजिए, मैं यहाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कहाँ कन्वर्ज कर रही है सीरीज में, ये मैटर करता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है, और बिना पार्शियल सम निकाले आप उस वैल्यू को बता नहीं पाओगे। कुछ है हमारे पास कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, बॉन्डेड हो, उनसे हम कुछ चीजें बता पाते हैं, ठीक है, बट द बेस्ट वेस्ट इज दैट कि हम उसका पार्शियल सम से ही निकालें इसको, अगर वैल्यू निकालनी होती है। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या कहता है, अगर मेरे पास सीरीज, लेट समीशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, क्या सच दैट है इसके अंदर, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल, देन अगर आपका एल ग्रेटर देन वन हुआ, एल ग्रेटर देन वन का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पास जैसे ही मैं यहां इसको यहां रखूंगा एल ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स यू एन, ओके, यू एन विल बी ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, सो द सीरीज विल बी कन्वर्जिस, क्या होगा, कन्वर्जिस, और जब भी एल लेस देन वन होगा दैट मीन्स डाइवर्जिस, और टेस्ट फेल वापस हो रहा है, टेस्ट फेल्स एल इज इक्वल टू वन,
यानी कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं कर पा रही है ये सीरीज। जब भी हमारे पास क्या है सिचुएशन, जब भी एल की वैल्यू यानी कि लिमिट जो आ जाती है इनके रेशियोज की या nth रूट लगाने पर 1 आ जाए, तो हम कह नहीं पाते कि ये टेस्ट हमारा एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट हो या कॉशी रूट टेस्ट हो या nth रूट टेस्ट हो, दैट मीन्स ये हमें डायरेक्टली आपका डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं पूरी सीरीज के बिहेवियर को। एल इज इक्वल टू 1 पे हमें फर्दर मूव करना होता है, नेक्स्ट टेस्ट लगाइएगा। सो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। What is this example? The example is that test the convergence of the series. What the series? Series is दी हुई है आपको 1 upon n into 2 की power n. ठीक है ना? So आप इसमें कोई सा भी test लगा सकते हैं। देखो यहाँ से power cancel हो जाएगी। आप दोनों apply करके देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा root test में और DLMBert test में क्या relation होता है? There is a relation between the DLMBert ratio test as well in the root test. कौन सा apply करेंगे तो दूसरा apply करेंगे तो पहले वाला, कौन सा किसको implies करता है, you have to find out and write me on the box. तो मैं देखता हूँ कौन आप इसमें बता पाता है। ठीक है, next one भी दिए है आपको, test for the convergence. This is a test for the convergence क्या इस series का, जिसमें n factorial upon n की power n है, लगा दीजिएगा। देखिए इसमें हम root test नहीं लगाएंगे, ये तो cancel हो जाएगा, लेकिन factorial की power 1 by n आ जाएगा, that can create some issue. So that means I have to use the DLMBert ratio test in this case. That will be more beneficial. जब कुछ ना समझ में आए तो DLMBert ratio test लगाने से में फायदा होता है, ठीक है ना? बहुत बार आपको देखिए अभी एग्जामिनर जो चाह रहा है ना, वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपैरिजन करो, आप कंपैरिजन जानो, बस कंपैरिजन से हो जाता है। So that means, okay, yes, this is a Also one of the most important test. हमारे पास टेस्ट बहुत हैं। मैं आगे रैबी टेस्ट है, लॉगरिथमेटिक टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं। But I don't want to discuss to all of them here because I feel that कि आपका पर्पस यहीं से सफाई हो जाता है। लेकिन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट ऐसा होता है, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ये फॉर्म दी हुई होगी। So इस फॉर्म का देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ के अंदर, यानी कि इस सीरीज इस इंटीग्रेशन का जो हमें इंप्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है और एक सीरीज का बिहेवियर सेम हो जाता है। सो दैट मींस दिस टेस्ट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट। क्या कहा गया हमें, लेट द फंक्शन ux इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल, उसका इंटीग्रल किया जा सके वो नॉन नेगेटिव हो और आपका डिक्रीज हो रहा हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तब हम कहते हैं ये सीरीज समीशन un, इसी को ही जो ux था इसी को ही मैंने unx कह दिया उसमें, ठीक है, जहां जहां x होगा मैंने n से रिप्लेस कर दिया, यहां सफिक्स में दिया हुआ, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इज अ कन्वर्जेंट, यानी कि इंटीग्रल को निकाल लेंगे तब भी। तो भाई इंटीग्रल की इंप्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होती क्या है देख लेते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है 1 टू इनफाइनाइट ux dx, ये 1 जरूरी नहीं, a भी मैं ले सकता हूं उसकी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट t टेंड्स टू, जहां पर भी मेरे पास इनफाइनाइट था, I have choose a t and taking the limit as, ठीक है ना? That's I have replaced. और ux dx is a finite value, यानी कि इस integrate को कर दीजिए, बाद में limit लगाइए और देखिए क्या value आ रही है। If the value is finite, then you say the integral is convergent. और if the integral is convergent, then the series summation is equal to 1 to infinite is also a convergent series. So that means हमें क्या पता लग गया, ये वाला है, वो वाला है। So that means ये कॉशी इंटीग्रल टेस्ट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें लिमिट दिखाई दे रही है कि इनफाइनाइट, सो वहां हम उसको टैकल कर सकते हैं। नाउ देन अनदर वन इज अ अल्टरनेटिंग सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स पॉजिटिव और निगेटिव आ सकते थे। देखो सीरीज में हमने क्या किया, सारे पॉजिटिव हूँ उनका बिहेवियर देख लिया, जो पॉजिटिव सीरीज है सब सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं या सारे टर्म्स नेगेटिव हैं, दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा होता है, इसलिए हम पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना सीरीज में, एक टर्म पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, यहाँ मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इफ सीरीज इज अ पॉजिटिव टर्म देन समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर एन यू एन इज अल्टरनेटिंग सीरीज, और A series whose term are alternative repeated is called an alternating series. एक ही टेस्ट होता है इसके लिए, वो होता है लैबनीज टेस्ट।
हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। क्या है लैबनिस टेस्ट? लैबनिस टेस्ट हमें कहता है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है तो उस अल्टरनेटिंग सीरीज की आप कन्वर्जेंस को कैसे चेक करोगे। इसको चेक करने के लिए इसने दो कंडीशन दी हुई है हमें। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट यू इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड है यू एन प्लस वन लेस और इक्वल टू यू एन फॉर ऑल, यानी कि हर टर्म जो है न्यूमेरिकली आपका जो है लेस देन है फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। दिस इज अ थिंग हियर, ये हमें यहाँ दी गई हुई है। सो इसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है अल्टरनेटिंग सीरीज में। सो लगाइएगा, इसके लिए एक ही टेस्ट होता है हमारे पास कॉल्ड द लैबनिस टेस्ट। लैबनिस टेस्ट, व्हाट इज द कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो भी आप लगा रहे हो, जो हमारी नेसेसरी कंडीशन थी, दैट मीन्स यू एन शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड यू एन प्लस वन लेस और इक्वल टू यू एन फॉर ऑल एन। दिस क्वांटिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल एन, इसको स्किप नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो ये कहता है कन्वर्जेंट है, अगर इसमें से ये फेल हो गया या ये फेल हो गया कोई सा भी, तो आप भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं है कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। सो अल्टरनेटिंग सीरीज में हमें कैसे टर्म्स दिए गए हुए हैं? एक हमें दे दिया गया है यू एन, दैट मीन्स समीशन हमें एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। यहाँ मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या जनरल मिस्टेक हम करते हैं। यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर एंड देन प्लस एंड सो ऑन, दिस इज ए अल्टरनेटिंग सीरीज, ऐसे फॉर्म बन के आ गए हमारे पास। सो चलिए मैं आपके से बात करता हूँ इस सीरीज की। क्या सीरीज दी हुई है मुझे? यहाँ दी हुई है समीशन n is equal to 1 to infinite minus 1 की पावर n minus 1 upon n, this is the series। So first जो mistake होती है हमें un find out करने में होती है। Here un is equal to 1 upon n, ना कि minus, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो ये जो होता है ना, that is for the behavior of the series, यानी कि वो अल्टरनेटिंग पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं। एक ही टेस्ट है, अच्छी चीज है, उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट थे, लेकिन किसी सीरीज में भी हमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस वी हैव ओनली वन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड द लैबनिस टेस्ट। सो यूएन क्या है ये, आपको इसको चेक करना है। अगर आप इस पे कंडीशन लगाने जाएंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एन, व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस विल बी इक्वल टू जीरो वैल्यू, ठीक है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, अब सेकंड के लिए अगर हम अप्रोच करते हैं, दैट मींस यू एन प्लस वन लेस और इक्वल टू यू एन, सो दैट मींस वन अपॉन एन प्लस वन इज लेस और इक्वल टू वन बाय एन, दिस इंप्लाइज एन इज लेस और इक्वल टू एन प्लस वन। वो किसके लिए होल्ड हुआ? फॉर ऑल एन के लिए, ये रिजल्ट ट्रू है, दिस मींस सेकंड कंडीशन। सो बाय द लैबनिस टेस्ट, सो बाय लैबनिस टेस्ट given series, given alternating series is convergent, ऐसे में बहुत सारे बना सकता हूँ ऐसे example, हम we can construct a many more, minus 1 की power n, 1 by n square, ठीक है। so या root n, whatever the things, या n square plus 1, बहुत सारी कुछ भी किसी भी उसमें form में लिखी हुई, बस ये देखना है आपको और बता देना है कि कैसी series बन रही है, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग सीरीज है, टुडे जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब होता है अगर मेरे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज है माइनस वन की पावर एन इंटू यू एन, पहले तो आप कन्वर्जेंस देखिए इसकी बाय द लैबनिस टेस्ट, चेक द कन्वर्जेंस है, ओके अगर ये कन्वर्जेंट है, पहली बात कन्वर्जेंट हो गई, उसके बाद आप देखिए इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज, इसकी पॉजिटिव एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होगी? यू एन, दैट मीन्स मॉडुलस लगा दिया मैंने इसको, जस्ट आई एम यूजिंग दिस वन हियर नाउ, सो एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म सीरीज मैंने कहा। अब इसको कैसे देखेंगे? एग्जिस्टिंग प्रीवियस टेस्ट से, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, एग्जिस्टिंग टेस्ट से हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है
उससे इसका बिहेवियर क्या आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये भी कन्वर्जेंट है, इफ कन्वर्जेंट, तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा सीरीज जो है कॉम्बिनेशन, दैट इज एब्सोल्युटली। बट अगर ये डाइवर्जेंट आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास ये सीरीज है, दिस इज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो दिस टर्म्स आई हैव रिटन हियर, व्हाट an alternating series of a real number is an absolutely convergent. Kab convergence absolutely? Whenever summation n is equal to 1 to infinite minus 1 की power n minus 1 un is convergent by the Leibniz test. Or इसकी positive term series, positive term series, that means modulus लगाने के बाद जो बनी, is convergent. ठीक है? और किससे देखते हैं हम? Positive term series of the alternating series. ठीक है? It has means alternating series. So किससे देखेंगे हम? एग्जिस्टिंग टेस्ट से, जो हमारे पास प्रीवियस टेस्ट है, ठीक है। जैसे कि डी एलम्बर्ट पढ़ के आए हम, अभी रेशियो टेस्ट पढ़ के आए, टी सीरीज टेस्ट पढ़ के आए, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ के आए, तो उन टेस्टों से हम इसको चेक करते हैं। अगर ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी, दैट मीन्स ये आपके बन गए एब्सोल्युटली। लेकिन ये तो कन्वर्जेंट, जैसे कि अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि ये वाली तो कन्वर्जेंट, बट इसकी एसोसिएटेड पॉजिटिव टर्म सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसके अंदर। सो पूरा सीरीज का डिस्कशन मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है, इसके बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ किसी दिन भी। हाउएवर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू जो हमारे पास चली हुई है, सुपर क्वेश्चन सीरीज चली हुई है 12 नून पे, उसमें भी आप इसके देख सकते हैं, मैं वहां भी देता रहता हूँ। लेकिन जल्द ही मैं आपको लिए इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे। तो यानी कि पूरा कंसेप्ट आज हमारा यहाँ डिस्कस हो गया है, और इसके एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट के, यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज के हमारे पास कुछ की पॉइंट भी है, तो की पॉइंट के साथ मैं उनको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ यू हैव टू जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ओके, and subscribe the Wi-Fi CSIR Net channel. Thanks for watching that.